जहरीली शराब की वजह से मौतों का सिलसिला लगातार प्रदेश में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर से आगरा से कुछ वैसी खबर आई, जहां पर थाना क्षेत्र के एतमादपुर के नगला तुलसी में दो दिन के भीतर दो लोगों की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि उनके गांव के लोग ही अवैध तरीके से शराब बनाते हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जब जो मौतें हुई उस मौत के बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जो वजह सामने आई उसमें जहरीली शराब के बजाय हार्ट अटैक से मौत सामने आई है, यह भी कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह मौत जहरीली शराब की वजह से हुई या दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। घर वालों का आरोप है कि जहरीली शराब पिया था इसलिए मौत हुई है। शिव चौहान, ये मौत की वजह क्या है, जहरीली शराब या दिल का दौरा? देखिए जब्बार, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला एतमादपुर इलाके के अलग अलग गांव का है। नगला तुलसी में एक व्यक्ति ने देर रात को शराब पी थी और सुबह उसकी मौत हो गई। और दूसरी सूचना पुलिस को मिलती है कि गड़ी गज्जू गांव पड़ता है इसके नजदीकी, उसमें भी एक व्यक्ति ने शराब का सेवन किया था देर रात को, उसकी भी मौत हो गई। और एक नयाबाद गाँव एतमादपुर तहसील के अंतर्गत ये तीनों गाँव आते हैं और तीनों गाँवों में अलग अलग मौत हुई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें से एक की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से पुलिस का कहना है कि उसकी देर रात शराब पीने से मौत नहीं हुई है, उसको अटैक पड़ा है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन्होंने तीनों ने शराब का सेवन किया था। फिलहाल अब पुलिस और आबकारी विभाग दोनों सक्रिय हो गया है और जहां जहां अवैध शराब की उन्होंने सूचना मिली है वहां छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जी जब्बार, तो फिर वजह मौत की वजह क्या माने, मौत की वजह हार्ट अटैक या जहरीली शराब? देखिए परिजनों का आरोप है कि शराब पीकर तीनों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस अभी एक की रिपोर्ट पोस्टमार्टम के आधार पर कह रही है कि एक की मौत अटैक पड़ने से हुई है, दो की रिपोर्ट पोस्टमार्टम की नहीं आई है, इसीलिए पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि तमाम तहसील एतमादपुर के अंतर्गत ये भी अपडेट आ रही है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, तीन लोगों की मौतें हो गई है। शिव चौहान, क्या इस पर कोई जांच की जाएगी, कोई जांच कमेटी बनाई जाएगी कि ताकि पता ये चल सके कि आखिर ये मौत की वजह का कारण क्या है, जहरीली शराब कहां बनती थी, कौन लोग इसके पीछे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन इस पर अब सख्त रवैया अपना रहा है, पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं, आबकारी विभाग को भी लगाया गया है कि जहां जहां सूचना मिल रही है कि जिस जिस इलाके में अवैध शराब और कच्ची शराब बनाई जाती है उस पर छापेमार कार्रवाई की और जांच करें, और जांच के बाद यह तय होगा कि जहरीली शराब से तीनों की मौत हुई है। फिलहाल एक की रिपोर्ट पोस्टमार्टम आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, इसमें अटैक होना बताया गया है, दो की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जी जब्बार, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए शिव चौहान।